ओके भाई लोग, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी पे बात करते हैं। मूवी सिनेमा पे नहीं देखी, घर पे जुगाड़ करके देख लिया मैंने। हाँ, गार्डियंस ऑफ गैलेक्सी मूवी अच्छी है। इसमें रॉकेट फेंकते तो थोड़ा ज्यादा दिखाया हुआ है। जब रॉकेट कहता है ना, अब नहीं रुकेंगे, हाँ क्या बात बोली इसने, मजे आ जाता है। गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 3 में हमारा मेन विलन बच जाता है। रॉकेट कहता है कुछ नहीं, हम इसे बचा लेते हैं और वो जेल में कैद है। जेम्स गन ये खुद का है। मूवी में कोई कमी नहीं है, मुझे आपको ऐसा ही रुलाएगी। जब मैं सबसे ज्यादा इमोशनल हुआ था ना, वो थे रॉकेट के दोस्त सबसे पहले वाले। उनको जब गोली लगी ना, पूछो मत, जो सीन था ना, रोना आ गया था। और फास्ट एंड फ्यूरियस की बात कर लेते हैं, ऐसा नहीं है मूवी अच्छी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है मूवी बुरी भी है। जैसे ममुआ की बहुत बड़ी एक्टिंग थी, ऑलमोस्ट सारे कैरेक्टर आ जाते हैं, जो नहीं होने चाहिए वो भी आ जाते हैं। बस लेकिन एक की कमी खल रही थी, पॉल वॉकर की कमी। इसी कमी इतनी खली, पूछो मत, अब क्या करें, हमारे बीच में ये है नहीं। और लास्ट में रॉक की भी एंट्री हो जाती है। हाँ, मूवी में जो पहले विलन था ना, उसको इसको भी हीरो बनाओ, ये बात मुझे अच्छी नहीं लगी। जो विलन है उसको भी हीरो बना रहे हो, कुछ नहीं, जो होना जो होना, जो विलन थे उनको भी हीरो बना रहे हैं। और ये मूवी 3 पार्ट में डिवाइडेड है, 5-6 साल तक और चलेगी ये मूवी। जो लास्ट में समीर लेके आई थी ना, वो कैसे जिंदा बच गई, और वो लोग मरे नहीं जो प्लेन से गए थे। मूवी की एक बात अच्छी है कि हर पार्ट से डिवाइडेड है, 5-10 था, अच्छा लगा ये बात। जो ट्रेलर में हाथ वाले फाइटिंग सीन दिखाए, वो थोड़े मूवी में देखते थोड़े ओपी सीन लगते हैं, इतना मजा नहीं आता। हाँ, कार वाले में मजा आता है। और फास्ट एंड फ्यूरियस वाले बोल रहे थे 7 में ये आखिरी पार्ट है, अब 10 पे आ गए और 2 पार्ट हो रहे पीछे, क्या कर रहे हो यार। आम शब्दों में कहते चूतिया, कुछ नहीं, हमको तो माल चाहिए देखने के लिए, कुछ नहीं हमको तो चाहिए, कुछ नहीं हमारा धंधा बढ़िया चलेगा मूवी आएगी तो। वो आपको लगता है डोम का भाई वो मर गया है? मुझे नहीं लगता। 5 फ्यूरियस वाले कुछ भी कर सकते हैं, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, देखा नहीं इस लड़की को कैसे जिंदा कर दिया। और विलन के लिए भी काम भी कर रही थी। तो वीडियो एंड तक यही रहता है। टॉप 3 एक्शन मूवी देखनी है तो ये वाली वीडियो चेकअप कर सकते हो आप मेरी। और जब तक के लिए देखते रहिए HX Man।